छोटी सी बात आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। हम मीडियम पेसर की बॉलिंग बात करते हैं, हम फास्ट बॉलिंग की बात करते हैं कि ये मीडियम पेसर इतना तेज है इंटरनेशनल क्रिकेट में भी, तो ऐसा नहीं होता है कि इन्होंने कोई इंजेक्शन लगाया या कुछ भी ऐसा कर दिया और वो एकदम तेज फेंकने लगे। बेसिकली उनकी नेचुरल बिल्ट और नेचुरल एक्शन उनको सपोर्ट करता है तेज फेंकने में और लंबे टाइम में बॉल डालने में, ठीक है। तो मेरे एक सीनियर थे जिन्होंने रेलवे के लिए खेला है, जिन्होंने यूपी के लिए खेला है, तो उन्होंने मुझे बताया था कि लाइक जो मीडियम पेसर होता है ना वो 90% नेचुरल होता है, सिर्फ 10% होता है कि उसको बनाया जाता है कि उसका कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसे इनस्विंग बता दिया, आउटस्विंग बता दिया, क्या है क्या नहीं वो बता दिया, वो चीजें मैटर करती है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि किसी का एक्शन ही नहीं है, कुछ नहीं है और वो बिल्कुल आप उसको बोलो कि भाई एकदम से तेज फेंक दे या ऐसा कर दे वैसा कर दे, कोई ये लाइक जादू या कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको ना एक वीडियो दिखाऊंगा, उस वीडियो से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक बच्चा है 8 या 9 साल का होगा, उसको डिले नॉन बॉलिंग आर्म क्या होता है, डिले क्या करते हैं, क्या ब्रेसलेट क्या होता है, कुछ नहीं पता, ठीक है। अगर आप उसका देखोगे ना एक्शन, तो उसका नेचुरली नॉन बॉलिंग आर्म डिले होता है, जिसको करने के लिए इंटरनेशनल इवन बड़े लेवल पे भी बंदे काफी टाइम तक मेहनत करते हैं, नॉन बॉलिंग आर्म डिले करना है, डिले करना है, ठीक है। उसकी कई चीजें अगर आप देखोगे जो बेसिक्स होते हैं मीडियम पेसर के, उसके ऑलरेडी करेक्ट है, तो उसमें क्या है हमें उसको थोड़ी और मेहनत करनी है, ठीक है। अगर वो बच्चा आगे खेलना चाहता है या उसको लगता है कि मुझे फास्ट बॉलिंग करनी है, तो वो डेफिनेटली उस पर ग्रो कर सकता है। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ छोटा सा, वो वीडियो देखिए।